कंज्यूमर कंपनी का स्टॉक का प्राइस का टारगेट क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो एक मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट हुआ है कह सकते हो ऑलमोस्ट। पर उसके बाद भी दोस्तों इसका अगर अपर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो इसके जो अपर टारगेट रहेगा दोस्तों पड़ेगा सेवन, देखिए दोस्तों 790 रुपीज़ इसका अपर टारगेट रहेगा। और इसका अगर लोअर टारगेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो 772 के आसपास इसका लोअर टारगेट रहेगा। और स्टॉक ना दोस्तों नेगेटिव रिटर्न देने का चांसेस ज़्यादा है, पर उसके बाद भी दोस्तों खुद एनालिसिस करके मार्केट पर एंट्री करो। यहाँ पर भी देख सकते हो किस तरीके का ग्रोथ है, ठीक है, पर उसके बाद भी खुद को एनालिसिस करना तो चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि किसी भी फील्ड पर अगर आपको प्रॉपरली वर्क करना है तो उस फील्ड का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले खुद नॉलेज गेन करो, उसके बाद ही मार्केट पर एंट्री करो, तब इनिशियली डिसीजन भी ले पाओगे। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और हम किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए किसी को भी एडवाइस नहीं देते। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।